अहम खबर है, मुल्क में बारिश ना होने के सबब पानी का बहरान शदीद हो गया। 30 जून तक ज़रात के लिए पानी नहीं दे सकते महकमा आबपाशी। सिंध के मुताबिक बलोचिस्तान में पानी की कमी मजीद बढ़ गई है। गुद्दू और सक्खर बैराज से बलोचिस्तान को पीने के पानी की फराहमी कम हो गई। बलोचिस्तान को सिंध से सिर्फ पीने का पानी मिल रहा है। अहम अपडेट है, मुल्क में बारिश ना होने के सबब पानी का बहरान शदीद हो गया। 30 जून तक ज़रात के लिए पानी नहीं दे सकते महकमा आबपाशी। सिंध के मुताबिक गुद्दू और सक्खर बैराज से बलूचिस्तान को पीने के पानी की फराहमी के हवाले से सिर्फ पानी मिल रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे शाहिद अली, हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, बताइएगा। देखिए, पानी का बहरान जो है वो मुल्क में चूंकि बारिशें नहीं हो रही है, इस वजह से शदीद होता चला जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा मुल्क में सुबह बलूचिस्तान पानी की कमी बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ 76% पानी की कमी है मजमूई तौर पर। सिंध में 55% पानी की कमी है। पंजाब में 49% पानी की कमी है। सिंध के तमाम बैराजेस जो है वो पानी की कमी का शिकार है। 70% इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी कम है। 51% से ज्यादा जो है वो पानी इस वक्त सक्खर बैराज पर कम है। इसी तरह अगर 51% बात की जाए कोठरी बैराज पर भी 51%। चूंकि इन तमाम बैराजों पर पानी नहीं है, गुड्डू बैराज पर कुछ हजार क्यूसिक पानी की मकदार में इजाफा हुआ है, जो बारिश हुई थी उसकी वजह से हुआ है, लेकिन इसके बाद पानी कहीं नहीं है। शॉर्टफॉल जो है इसके बाद आना शुरू हो जाएगा। बलोचिस्तान को जो है सिंध हुकूमत की जानिब से, आबपाशी की जानिब से जो है सिर्फ। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अली अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।